गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने खेतों की तरफ आ चुके हैं काम करने के लिए। और हम क्या काम करने वाले हैं आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। और आपको यूनिक चीज़ बताने वाले हैं, अगर आप किसान बैकग्राउंड आपका नहीं है और आप शहर में रहते हैं, अगर देहात में भी रहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, कुछ भाई लोग होंगे जो किसान वर्ग से भी आते होंगे, किसान भी होंगे, तो देखें और मज़े करें। और जो नहीं जानते हैं कि खेती कैसे की जाती है, तो हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो पहले देख सकते हैं, ये खेत है और इस खेत के ये सारे मेरा खेत है और इसमें हम धान लगा था और वो कटाई हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाइक कैमरा आपको दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये सब कट के जिसको बोलते हैं अटियोनी हो चुका है और अब इसको हम बोझा बांधने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बोझा बना गया भी है और ये ढोकर खलिहान में रखा जा चुका है। आपको कुछ दूर पर दिख रहा होगा आम का पेड़, और आम के पेड़ के बगल में आपको दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे सारा यहाँ से ढोआ करने वाली वहाँ रखा रहा है और वहाँ पे गांजा गंजाने का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको देखते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए, ठीक है। चलिए, हम कैसे कैसे बोझा बांधते हैं और कैसे काम करते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। और अभी सुबह का टाइम है, आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको बाइक कैमरा से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सारा जो खेत है धान का कटाई हो चुका है। कुछ खेतों में से जो निवारी बना था, अटियोनी जिसको बोलते हैं, वो अटियोनी होकर ढोवाया गया है, ढो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, आज इस खेत को पूरी तरीक़ा से बोझा बांध करके ढोना है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो है अटियोनी करके इसको काउंटिंग करने के लिए गाही जिसको बोलते हैं, पाँच पाँच आटी का एक गाही होता है, उसको करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं लगाया गया है। और इसको क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोझा है, इस तरीका का बोझा बांध करके इसको खलिहानों तक पहुँचाया जाएगा जहाँ इसका पिटाई होगा। पहले इसका गंजाई होगा, गंजाई होकर कुछ दिन के बाद इसको पीटा जाएगा, ठीक है, इस तरीका का प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे बोझा बांधते हैं, आप लोग देखिए। तो अभी कोई हमारे पास बच्चा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसको हम आपको रख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम आपको बोझा बांध करके दिखलाते हैं। तो देखिए, एक बोझा है, इसी पे हम रख देते हैं। ये है, अब दूसरा बोझा बांधने जा रहे हैं, इसके लिए एक जोर ले लिए हैं और चलते हैं, दूसरा बोझा बांधते हैं।
आप जैसे कि देखते हैं इस तरीके से बोझा बांधा जाता है और इसी तरीका को दो आदमी होते हैं और इसको ढुलाई किया जाता है माथा पर लेकर के, तो उसको भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीका से ढोया जाता है। वीडियो में लगातार बने रहिए, अभी जो है पूरा खेत का बोझा बांधना है, उसके बाद हम ढोने का काम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बोझा लाने के लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में जो है और इसे वापस रखेंगे और हम बोझा लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बोझा लाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम काम करते करते थक चुके हैं और सुबह से हम काम कर रहे थे, जैसे कि आप लोग बताए कि सुबह आए थे और बोझा बांधने का काम किए, बोझा बांध करके उसको ढोने का काम किए और ढोते ढोते अभी आपको बज चुका है, आपको टाइम बता दें तो 11 बज चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है लगातार काम करना पड़ा, तो थक चुके हैं। और अभी हम इस पेड़ के नीचे जैसे कि देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा आम का पेड़ है और इसके नीचे हम थोड़ा आराम करें। और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं वही बोझा जो हम ढो रहे थे उसको हम एक जगह जमाते हैं। तो दोस्तों, ये था कहानी और ये अभी 2-4 दिन लगातार चलने वाला है बोझा ढोने का सिलसिला, यूँ जारी रहेगा 4 से 5 दिन, क्योंकि खेत का जुताई होने वाला है और गेहूँ लगेगा, इसलिए इसको जल्दी खेत को खाली किया जा रहा है ताकि जल्द ही गेहूँ लग सके। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके का आपको वीडियो कभी कभी हम आपको वीडियो बना कर देते हैं, तो इसी तरीका से कुछ दिन रुक रुक करके आपको वीडियो मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।